करेगा मेरी मजाक, उड़ाएगा मेरी किल्ली? बोल बोल। डैडी आप क्या कर रहे हैं? चुप चुप बोल। अभी देखिए मैं डैडी मेरे मजाक कर, को मार मजाक करता है। केशु केशु क्या कर रहे हो तुम? केशु क्यों क्यों अब हो गई तेरी बोलती बंद? अरे तुम्हारे तोते के साथ भी दुश्मनी है? अरे तोते के साथ तो मेरी बचपन से दुश्मनी है। क्यों? एक बार मैं छोटा था तब हमारे पड़ोस में एक तोता था, वो हमेशा मुझे बुद्धू कहा करता था। इस तोते ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अरे ये मुझे बेवकूफ कहता है। हाँ, आज के जमाने का तोता है ना। ए बेवकूफ, इसे बेवकूफ कहा, सुना? केशु केशु, गंगा मौसी ने तोता देते वक्त ये तो कहा था कि ये बोलने वाला है, लेकिन ये नहीं कहा था कि ये सच में बोलता है। ये तोते को इसी वक्त बाहर फेंक दो वरना मैं इसकी गर्दन मरोड़ दूंगा। अरे डैडी, इसकी गर्दन मत मरोड़ना। क्यों? क्योंकि एक बार एक आदमी ने इसकी गर्दन मरोड़ने की कोशिश की तो ये पुलिस पुलिस चिल्लाने लगा। अंदर जा। लेकिन डैडी। अंदर जा वरना मैं तेरी टांग तोड़ दूंगा। केशव, ये कौन सी भाषा बोल रहे हो तुम? गर्दन मरोड़ दूंगा, टांग तोड़ दूंगा, ऐसी भाषा तुम्हें शोभा नहीं देती। बस बस बस, अब लेक्चर जाने की जरूरत नहीं है, मेरा टिफिन तैयार है। नहीं। क्यों? क्योंकि गैस वाला आज भी नहीं आया है। अभी जाके उस गैस वाले का गला दबा देता हूँ। फिर वही बात, क्या हो क्या गया है तुम्हें? क्या करूँ, सुबह से काम ठीक नहीं हो रहा, नहाने को गया, मुंह पे साबुन लगाया तो पानी गया। अरे पाइपलाइन टूटी होगी कहाँ पे? बाद में एक फोन करने को गया तो फोन भी बंद। तुमने देखा नहीं, नीचे टेलीफोन वाले रिपेयर कर रहे हैं लाइन। लगता है मेरी तकदीर की लाइन ही खराब हो गई। लो अब ये घड़ी भी बंद हो गई। प्लीज फिकर मत करो, देखो गंगा मौसी के यहाँ एक ज्योतिष आने वाला है। तो क्या ज्योतिष मेरी घड़ी रिपेयर करेगा? खबरदार, उस ज्योतिष को हमारे घर में बुलाता हूँ, उसकी गर्दन दबा दूंगा। फिर वही बात, क्या हो क्या गया तुम्हें? मेरा मूड ही आज कुछ ऐसा है, ये लो पकड़ो। ए केशव पागल। अरे बॉम्बे वाला इमीडिएटली टाइप करना जरा। ठीक है। अच्छा आपने कुलकर्णी जी आया क्या? नहीं वो आए नहीं अभी तक। ठीक है, आएंगे तो उन्हें बॉस के केबिन में भेज देना। ठीक है। ऐसे कभी आते ऑफिस में, ऐसे चलते गला लगा इडियट। गोखले, ये कुलकर्णी जी को क्या हुआ है? लगता है ट्रेन में किसी से झगड़ा करके आए। नहीं नहीं गोखले, कुलकर्णी जी ने पिछले महीने जो दो दिन की छुट्टी ली थी ना, बॉस ने उसे लीव विदाउट पे कर दिए। लेकिन ये बात अभी उन्हें मत बताना, शायद उनका मूड आज ठीक नहीं है। आगे आगे भाई। आईएमबी लक्ष्मी, वो कल 3 केसेस दिए थे, उसकी फाइल रेडी की? नहीं सर। क्यों? क्या करूं सर, इतने सारे काम पेंडिंग पड़े हैं। काम पेंडिंग पड़े हैं? ये सब्जी काटने से फुर्सत नहीं मिलती तुमको? हाँ काम पेंडिंग पड़े, व्हाट इज दिस? हाँ व्हाट इज दिस? काम पेंडिंग पड़े। देखिए सर, मैं चाहे सब्जी काटू या कुछ भी करूं, आपको ना दे पूछने वाले। लड़ाती हो मुझसे, जबान लड़ाती हो? हाँ जबान लड़ाती हो। आप इस तरह हमें धमकी नहीं दे सकते, हम यूनियन में कंप्लेंट कर देंगे। अबे ओ, यूनियन में कंप्लेंट करने वाली, देख लूंगा तुम सबको यहाँ पर। शांत हो जाओ केशव, बात क्या है? अरे क्या बात क्या, एक काम ठीक से नहीं हो रहा, कोई काम नहीं करता, कोई काम नहीं करता, टच नहीं करने का, टच नहीं करने का, मेरे को याद रखो। तुम सबकी कंप्लेंट कर लूंगा, इनको इनको गप्पी लगाने से फुर्सत नहीं मिलती, इनको ये सब्जी काटने से फुर्सत नहीं मिलती, और ये तो यहाँ टाइम पास करने के लिए आते आते क्यों तुम लोग यहाँ पे? केशव, ये बात ही नहीं है। क्या क्या बात है भाई, क्या बात है? क्या बात है इडियट? क्या आपको बॉस ने बुलाया? क्या बॉस के भी दिन भर गए, टकलों को भी देखना पड़ेगा, याद रख तुम सबकी। इडियट, लगता है आज कुलकर्णी का ऑफिस में आखिरी दिन है। मैंने उसे कुछ कहा? कोई कुछ नहीं कहेगा, जो कुछ कहूंगा तो मैं कहूंगा, क्योंकि मैं बॉस हूं, बॉस हूं, बॉस हूं। लेकिन सर, स्टाफ पे कोई आदमी ठीक से काम नहीं करता तो उनको कुछ कहने का मेरा फर्ज बनता है। और तुम कौन सा ठीक काम करते हो जी? क्यों, क्या किया मैंने? तुमने ये केसेस देखा काउंट्स के, तुमने गए पुटअप किए, और तुमने हैंड डिलीवरी के सारे लेटर्स पोस्ट पे भेज दिए, और पोस्ट के हैंड डिलीवरी से कहाँ ध्यान रहता है तुम्हारा केशव? देखो केशव, अगर 4 बजे शाम तक तुमने सारे केसेस ठीक से पुटअप नहीं किए तो मैं तुम्हें मेमो दूंगा, समझे? ठीक रहने दो, मैं केशव से करवा लूंगा। जाने सवेरे सवेरे मैंने किसका मुंह देखा था? भाई नहीं, मैं अपना मुंह देखा होगा। देखिए सर, मजाक की भी कोई हद होती है, अगर दूसरी बार आपने ऐसी मजाक की तो मैं आपको क्या कर लेगा? तू क्या कर लेगा? मैं क्या कर लेता हूँ? बाद में बताऊंगा। कभी नहीं सुधरेगा, कभी नहीं सुधरेगा, सारी दुनिया बिगड़ जाएगी, मेरे उल्लू का पट्टा के सब कभी नहीं सुधरेगा। अरे यार, वो टकलू बेकार में धमका रहा था, जी तो करता था उसका गला दबा दो।
लगता है आज तुम्हारा दिन ही कुछ खराब है। हाँ यार गोखले, सुबह से मेरा एक काम ठीक नहीं हो रहा, एक काम ठीक नहीं हो रहा। ट्रेन से आ रहा था, मेरी बगल में गंजा बैठा था, सर पर तेल मार के। हाँ। मैंने कहा भाई जरा दूर बैठो, मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे, तो उसने मुझे मारने की शुरुआत की। कितना मारा मुझे, कितना मारा गोखले। बाद में यहाँ आया तो लिफ्ट में अटक गया, लिफ्ट बंद हो गई, आधे घंटे तक अंदर पड़ा रहा। और यह स्टाफ से झगड़ा और बॉस ने मुझे मेमो देने की धमकी दी। काम ठीक नहीं हो रहा गोखले। हाँ, जो हुआ उसे भूल जाओ केशव। कैसे भूल जाओ केशव, गुस्सा करने से थोड़ी काम चलेगा। तो फिर मैं क्या करूँ? सबसे पहले स्टाफ से माफी मांग लो। मैं माफी मांगू क्यों केशव? मैं कहता हूँ उसी में तुम्हारी भलाई है, वरना खामखा तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। केशव कोकी भाभी और चिंटू का तो कुछ ख्याल करो। मांग लेता हूँ माफी, मांग लेता हूँ। चलो। खून कहाँ है? आपके पति के भविष्य में लिखा हुआ है। ये क्या बोल रहे हैं? हाँ। जी विस्तार से बताइए। आपके पति के राशि में हाँ। अनिष्ट ग्रहों का मेला लगा हुआ है। मतलब? हाँ, राहु केतु शनि मंगल इन सब ग्रहों ने मानो हमला बोल दिया है। तो? अरे रे 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 रे। सारे साथी ने भी जोर पकड़ लिया है। आप आगे भी बताइए, बार बार वही क्यों दोहरा रहे? आपके पति के हाथों से कल शाम को 7:30 बजे तक किसी का खून होने वाला है। क्या बंडल मारते, केशव ने आज तक मच्छर भी नहीं मारा है। फिर भी मुझे लगता है क्योंकि हमें सावधानी बरतनी पड़ेगी। अरे कोई जरूरत नहीं है गंगा मौसी, केशव क्या किसी का खून करेगा? टोमेटो केचप देख के वो डर जाता है, बेहोश होने लगता है। ठीक है, फिर भी मैं शाम को आऊंगा। नहीं, मेरे पति को ज्योतिषियों से सख्त नफरत है, कहीं आपने बताया हुआ भविष्य आप ही के बारे में सच न हो जाए। यस, फिर आप मेरी दक्षिणा दे दीजिए। वो मैं कल शाम को 7:30 बजे के बाद दूंगी, अगर भविष्य सच हुआ तो। ठीक है, लेकिन ये बात आप आपके पति को मत बताइएगा। क्यों? वरना उसी वक्त वो किसी का खून कर डालेंगे। अच्छा, ये मेरी भविष्यवाणी है। ठीक है। कोकी, हुँ? फिर भी मुझे लगता है तुम सबको सावधान कर दो। अरे कोई जरूरत नहीं है। एक मिनट। क्या हुआ? केशव सुबह बोल रहा था गला घोट दूंगा, गर्दन मरोड़ दूंगा। मुझे लगता है मैं सबको सावधान कर ही दूं। हाँ, चलो। हेलो। हाँ एक मिनट गोखले, मिसेस कुलकर्णी का फोन है। तो केशव को दे दो। वो तुम्हें बुला रही है फोन पर। हेलो। हाँ कोके भाभी। हाँ कहिए। व्हाट? ओह नो, नहीं आप फिकर मत करना, मैं हूँ। क्या बात है गोखले, एनीथिंग सीरियस? वेरी वेरी सीरियस। देखो इसके आगे केशव कुलकर्णी से कोई कुछ भी नहीं कहेगा। क्यों? इन आने वाले 2 दिनों में उनके हाथ से किसी का खून होने वाला है। ध्यान रहना। स्टाफ वालों, आप लोगों के साथ मैंने जो बर्ताव किया उसके लिए मैं आपकी माफी चाहता हूँ। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। अगर आप चाहते तो मुझे मार सकते हैं। मिसेस लक्ष्मी, ये लीजिए, आप मुझे मारिए। गोखले तुम मुझे मारो। मिस जोशी आप मुझे मारिए। बॉम्बे वाला मारो मुझे। अरे सुनो सुनो, कहाँ जा रहे हो? हाँ बोलो भाई, बोलो। आपको बॉस ने बुलाया। बॉस ने बुलाया? जाओ मैं आता हूँ, मुझे कोई नहीं मारता। नहीं कुकी जी, मेरा मतलब है मिसेज कुलकर्णी, मैं समझ गया, मैं बिल्कुल समझ गया। सर सर लाइए इस फाइल को, मैं ठीक कर देता हूँ। नहीं केशव, सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज ऑलराइट। मैंने सब देख लिया है। सारी गलती मेरी थी केशव, तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। मैं इसलिए तुमसे माफी मांगने के लिए बुलवाया था केशव। माफी? सर आप मेरा मजाक कर रहे हैं। लाइए लाइए, मैं फाइल को ठीक कर देता हूँ। मैं आपको मौका नहीं दूंगा, मेमो देने का मौका नहीं दूंगा। सर लाइए फाइल। मैं तुम्हें कभी कोई मेमो नहीं दूंगा, बल्कि मैं तुम्हारी तारीफ करूंगा, तुम्हें सर्टिफिकेट दूंगा। क्या सर्टिफिकेट देंगे सर? केशव कुलकर्णी थर्ड क्लास आदमी है। केशव कुलकर्णी फर्स्ट क्लास आदमी है।
बैटमैन, ही इज अ ग्रेट मैन। आप मजाक कर रहे हैं सर, आप मजाक कर रहे हैं। मैं ऑफिस हाउस में प्रेमा जी का शूटिंग देखने के लिए चला जाता हूँ, वो आपको पसंद नहीं है। नहीं नहीं कैसे, तुम जाओ अभी जाओ, अभी जाओ। शूटिंग देखने के लिए? लेकिन आज प्रेमा जी की शूटिंग नहीं है सर। मतलब है कि यहीं पर आओगे केशव? हाँ क्यों नहीं केशव, क्या गर्मी बहुत हो रही है। आपकी तबीयत तो ठीक है सर, एक काम कीजिए सर, आपका टाइट हिला। ठीक नहीं, बाहर जाने के लिए कह रहे हो तुम? बाहर चलो, उनकी तबीयत ठीक हो जाए। अरे कैसे ठीक होगी सर की तबीयत? देखिए मेरी बात सुनिए सर। केशव कुलकर्णी, तुम ठग का नहीं, केशव तुम फर्स्ट क्लास आदमी हो, यू आर ग्रेट मैन। बाप रे चिंटू, चिंटू डैडी के आने का टाइम हो गया है, घर में शांति रखो, बिल्कुल उधम मत मचाओ। अरे मम्मी मैं उधम का मजा रहा हूँ, मैं तो खेल रहा हूँ। हेलो बेटे। हेलो दिलबुर अंकल, ये लो चॉकलेट। अरे वाह दिलबुर अंकल, आपने मुझे बहुत दिनों के बाद चॉकलेट खिलाई है। बेटे मम्मी किधर है तुम्हारी? मम्मी दिलबुर अंकल आए हैं। आ रही हूँ। नमस्ते कोकी जी, कैसी हैं? अच्छी हूँ। आजकल मार्केट में गाजरें बहुत आई हुई हैं, तो मुझे गाजर के हलवे की रेसिपी दीजिए ना। अभी? हाँ तो और क्या? नहीं अभी नहीं, अभी आप चले जाइए, मैं बाद में बता दूंगी। केशु के आने का टाइम हो गया है। तो आने तो ना, मैं डरता थोड़ी हूँ उनसे, वो कौन सा मेरा खून कर देंगे। कर सकते है, आज वो कुछ भी कर सकते है। वो और खून कर सकते है? अरे छोड़िए, उनसे बड़ा एक नंबर का डरपोक इंसान नहीं देखा है मैंने। उनको खाली आपके ऊपर रोक जमाना आता है। दिल बाजी के बच्चे, मैं तो खून पी जाऊंगा। ये क्या हालत बना लिए तुमने? ए बेवकूफ। कौन बोला? वो तो ए बेवकूफ, तेरा बाप, तेरा खानदान बेवकूफ। ए पागल। अरे तू पागल, तेरा खानदान पागल। एक दिन तेरी चोट में पटाखा फोड़ूंगा। क्या हालत बना लिए तुमने? क्या करूं कोकी, सुबह से मेरा एक काम ठीक से नहीं हो रहा है। क्यों? यहाँ से ट्रेन में गया ऑफिस को। हाँ? तो ट्रेन में मुझे गंजे ने मारा, रात में ऑफिस में दो दिन भर में गिर पड़ा। यहाँ तो टैक्सी वाले ने मुझे पीटा। क्यों? मेरे पास 50 पैसे छूटे नहीं थे। और मैं आकर देखता हूँ तो दिलरुबा कहाँ गया? केशव, दिलरुबा के बच्चे, वो गया। मैं उसकी मुंडी काट कर अपने दरवाजे पर लगाऊंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। केशव, मैं गला दबा दूंगा, आज आज मुझे किसी का गला दबाना। केशव, हेलो। ओ कोकी जी, हाँ बोलिए। क्या? नहीं नहीं नहीं, ओ ये ओ ये क्या हुआ? क्या हुआ? तुम केशव कुलकर्णी से झगड़ा करके आए हो क्या? इसमें कौन सी नई बात है, वो तो मैं रोज ही करता हूँ। वो यहाँ आ रहे हैं। क्यों? तुम उनसे माफी मांगो इसलिए। मैं उनसे माफी मांगू क्यों? मैंने कुछ किया ही नहीं है तो मैं क्यों माफी मांगू? अच्छा क्यों? इधर आओ। दरवाजा खोलो। आवाज सुनो, तुम्हारा काम है, तुम खोलो। नहीं मैं क्यों खोलूं? आई एम नॉट गोइंग टू ना, डोंट वरी, आई एम बिहाइंड यू। But then, मेरा काम ही नहीं है, मैं तो हीरोइन हूँ, तुम्हारे पीछे मैं क्यों खोलूँ? Behind every good woman there is a husband. Oh my God, प्रेमा जी, दरवाजा खोलिए। नहीं, क्यों? मैं दरवाजा नहीं खोल सकती। क्यों? क्या बोलूँ? मैं नहा रही हूँ। नहा रही हो? ड्राइंग रूम में? हाँ, मैं ड्राइंग रूम में क्यों नहा रही हूँ? बाथरूम का नलका खराब है।
झूठ बोल रही हो? बिल्कुल नहीं। कैसे झूठ? आज मुझे किसी का गला दबाना है। नहीं। दरवाजा खोलिए। मैंने कहा था ना, डोंट वरी, आई एम बिहाइंड यू। केशव, केशव तुम क्या कर रहे हो? डार्लिंग, हमारी ऑफिस को एक नया कॉन्ट्रैक्ट मिला, उसके लिए एक फाइल तैयार करनी है। ये उस हाथ में पकड़ो ना। क्यों? ऐसे ही, बस ऐसे ही। और ये काटने का काम ही बंद करो दो। Are you alright, darling? हाँ। हाँ। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? हाँ, हाँ। बुखार बुखार तो नहीं? नहीं, 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 नहीं। तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। अरे तुम तो ऐसे चिल्ला रही हो जैसे मैं तुम्हारा गला दबा दूंगा। नहीं नहीं। हेलो। हाँ हेलो केशव, मैं गोखले बोल रहा हूँ। हाँ गोखले बोलो, इतनी रात गए? केशव तुम ठीक तो हो ना? हाँ ठीक हूँ, क्यों? नहीं अच्छा, घर में बाकी सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कोकी की तबीयत कुछ। केशव एक मिनट, मैं जरा कोकी भाभी से बात करना चाहता हूँ। हाँ श्योर, व्हाई नॉट, ये लो गोखले। हेलो। अच्छा कोकी भाभी। हाँ। केशव नॉर्मल तो है ना? अभी तक तो सब ठीक है। कोकी भाभी तुम अपना ख्याल रखना। हाँ। मैं कल सुबह फिर से फोन करता हूँ। टेक केयर, टेक केयर। हाँ गुड नाइट। क्या हुआ? केशव। हाँ? केशव तुम कल शाम तक घर पे ही रहना। क्यों? क्यों ऐसे ही छुट्टी ले लेना? छुट्टी? अरे कमाल है, मेरा बॉस भी कह रहा था केशव तुम छुट्टी ले रहे हो, और तुम भी कह रही हो। बॉस कह रहा था? हाँ? तो फिर ले लो ना, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। अच्छा रहेगा? ओके, अगर तुम कहती हो तो। मॉडल तो ये भी अच्छा लग रहा है, कोई दूसरा ऐसे बढ़िया मॉडल बताइए सर। ये देखिए, एकदम नया मॉडल, इटालियन मॉडल। वो तो ठीक है, मगर चलता बलता कैसे है? एकदम फर्स्ट क्लास, दुनिया के सारे आतंकवादी इसे ही इस्तेमाल करते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। पैक इट अप, जरा बांध के आता हूँ। हाँ जी रामा, ये पैक कर दो, ये लो। सर एक पिस्तौल चाहिए। पहले पिस्तौल चाहिए, कहीं लाइसेंस वाइसेंस छे? खिलौने की पिस्तौल के लिए लाइसेंस? हो हो हो, तुझे खेलने के लिए पिस्तौल चाहिए? नहीं, मेरे लिए नहीं, मेरे बच्चे के लिए। एक मिनट, मेरे खिलौने तो अलग किस्म के होते हैं। अच्छी चलेगी ना सर? एकदम फर्स्ट क्लास। कितना पैसा? 200 रुपीज। ओह 200 रुपीज, पैक इट अप। रामो इसे भी पैक कर दो। लीजिए सर। साहब ये पिस्तौल की एक खासियत है। क्या क्या? इसमें से आवाज निकलती है लेकिन गोली नहीं छूटती। ओहो, फिर तो ये मेरे भी काम की चीज है। लाओ रामू, पैक हो गया। थैंक यू। ओके सर, वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच। आइए साहब, आइए। अब बस आ रही है। आ रही है, कमाल करते हैं। इतनी देर में चार बैग लूट लेता, अपना साथ भी मार देता। आ रही है, आ रही है, बोल रहे हैं। एक मिनट, रामू, रामू साहब के पिस्तौल लाओ। ये लीजिए सर। एक मिनट मैं देख लूं। हाँ। अरे कमाल है, मुझे बेवकूफ समझते हैं, मुझे खिलौने बेचते हैं आप। अरे रामू, और रामो साहब की ओरिजिनल पिस्तौल किधर है? लगता है वो चश्मे वाले साहब लेके गए। अरे पकड़ो उसको, इडियट। क्या रहा केशव? आज तुम दफ्तर क्यों नहीं आए? क्या करूं, कल रात बीवी ने कहा छुट्टी ले लो, एंड यू नो छुट्टी के मामले में बीवी के साथ हमेशा सहमत हो जाता है। गुड गुड, वेरी गुड। वैसे इस वक्त कहां से आ रहे? इस वक्त तो ये पिस्तौल खरीदने के लिए गया था। यार केशव ये तो असली लग रही है। अरे तुम पागल हो गए, 200 रुपए में कोई असली पिस्तौल देता है? ये तो चिंटू के लिए ली है। अच्छा। स्कूल के फंक्शन के लिए उसको जरूरत थी। अच्छा मुझे एक बात बता, आज दिन भर में तुम्हारा किसी के साथ झगड़ा तो नहीं ना हुआ? झगड़ा नहीं तो क्यों? मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ। तू कुछ छुपा रहा है? नहीं यार। गोखले तूने कल रात मेरी बीवी को फोन भी किया था, यू नो तुम पहले मर्द हो जिसने मेरी बीवी को इतनी रात गए फोन किया था। नहीं कैसे, वो तो ऐसे ही मैंने। क्या बात है, सच सच बता वरना इस खिलौने की रिवॉल्वर से तेरा खून कर दूंगा। नहीं नहीं नहीं, अच्छा केशव क्या बात है? बात यह है कि कोकी भाभी ने मुझे फोन करके बताया था। क्या? कि सबको सावधान करना। किस बारे में? उन्होंने कहा कि आज शाम 7:30 बजे तक केशव के यानी कि तुम्हारे हाथ से किसी का खून होने वाला है। किसी का खून? इसलिए सब डर रहे हैं मुझसे, इसलिए प्रेमा जी वो ड्राइंग रूम में, वो ऐसी ऐसी सबको समझाना पड़ेगा। प्रेमा जी प्रेमा के साथ झगड़ा नहीं। शिवानी लास्ट कट वो कमरे में गया। हाँ।
अब है ना प्रेमा जी इस दरवाजे से बाहर आएगी और यहाँ आके रुकेगी और यूं देखेगी। नहीं यहाँ क्यों आए हो? नहीं सर प्रेमा जी के साथ दो मिनट। सच्ची होते तो मैं आपको शूट कर देता। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। हेलो केशव जी। दादा ये आप क्या कर रहे हैं? आप नहीं जानते। आइए आइए केशव जी आइए। सब पर आपका स्वागत तो। अरे भाई चाय लाओ कॉफी लाओ आइसक्रीम लाओ। इसके लिए लीजिए। प्रेमा जी के साथ दो मिनट बात करनी है। अच्छा अच्छा कर लीजिए। बातें को प्रेमा जी वो कल कोकी ने आपको जो कुछ भी कहा था वो सब गलत था। गलत था? गलत था। वो क्या हुआ कि एक ज्योतिष ने कोकी को उल्लू बनाया था। तो मैं चाहता हूँ प्रेमा जी कि आप कोकी की बात का यकीन ना करें। नहीं करते। ओके? आप मुझसे नाराज तो नहीं है प्रेमा जी? नहीं नहीं मैं आपसे नाराज कैसे हो सकती हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ प्रेमा जी प्लीज आप नाराज मत होइएगा। केशव जी आप अभी चले जाइए मैं थोड़ा बिजी हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ कोकी 7:30 बजने में सिर्फ एक मिनट बाकी है। भगवान से प्रार्थना करो कि केशव किसी का भी खून किए बगैर वापस आ जाए। मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। तुमने सबको फोन करके ऐसा क्यों कहा कि मेरे हाथ से आज किसी का खून होने वाला है? तुम्हें किसने बताया? अरे गोखले ने बताया। ओ दरअसल क्या हुआ ना केशव, हमारे घर में एक ज्योतिषी आया था। ज्योतिष? किसने बुलाया ज्योतिष को? किसने बुलाया? मैंने नहीं, गंगा मौसी ने बुलाया। गंगा? ए मौसी बोल ना सिर्फ गंगा। ज्योतिष आया तो गोली करवा दूंगा। बेवकूफ। इसने फिर से मुझे बेवकूफ कहा। फिर से देखो कोकी ज्योतिषी का भविष्य सच निकला। तोता मर गया। 7:30 बजे केशव के हाथों से खून हो गया। अच्छा हुआ तोते पर ही निपट गया। केशव पागल। ये तोता कौन सा? अरे डैडी वो तो नकली तोता था, असली तोता तो ये है। तो ये रिवॉल्वर?